मैं बायोलॉजी केंद्र में आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने स्कोप ऑफ बायोलॉजी आफ्टर प्लस टू की जानकारी दी थी बायोलॉजी पास स्टूडेंट को, जिन्होंने प्लस टू किया है उसका मुख्य लक्ष्य होता है मेडिकल में एडमिशन लेना। मेडिकल में आता है MBBS, BDS, BBSC, BAMS, BHMS, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी, जिसमें कि BAMS, BHMS, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी को आयुष में रखा गया है। अब ये है जी, ये जो मेडिकल है, मेडिकल कॉलेज है, जिसमें कि MBBS, डेंटल या वेटनरी साइंस और ये आयुष में एडमिशन कैसे ले रहा है विद्यार्थी, एडमिशन कैसे ले, इसके लिए नेशनल लेवल पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे नीट कहा जाता है। नीट के द्वारा ही जो क्वालिफाई किया स्टूडेंट, उसी का एडमिशन इस मेडिकल कॉलेज में होता है। अब यह नीट किसके द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, ये कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अब आता है जानकारी के लिए, तो इसमें किस तरह का स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, तो वही स्टूडेंट एलिजिबल है जो प्लस टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा इंग्लिश से 50% मार्क्स सहित पास किया है, वही सक्षम है नीट के लिए फॉर्म भरने। अब इसमें किस उम्र के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भरेगा, तो इसके लिए नीट के लिए मिनिमम एज है 17 इयर्स और मैक्सिमम एज है 25 इयर्स। 17 इयर्स उस वर्ष के 31 दिसंबर तक होना चाहिए, या 25 इयर्स उसी वर्ष उसी सेशन के उसी वर्ष के 31 दिसंबर तक पूरा होना चाहिए, अर्थात मिनिमम एज 17 इयर्स एंड मैक्सिमम एज होना चाहिए 25 इयर्स। अब ये नीट जो होता है कंडक्ट होता है पूरे नेशनल लेवल पर, तो स्टेट के लिए कितना कोटा है और नेशनल लेवल के लिए कितना कोटा है, तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में जितना भी सीट है उसका 15% ऑल इंडिया कोटा होता है और 85% स्टेट लेवल का कोटा है। दो तरह का लिस्ट बनता है, नेशनल लेवल का और स्टेट लेवल का, तो ऑल इंडिया कोटा में 15% स्टूडेंट का जो है निश्चित, वह इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन स्टेट कोटा में जिसका क्वालिफाइंग रैंक आया है वह केवल अपने ही स्टेट के जिसमें उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी में वह एडमिशन ले सकता है। ये जानकारी आपको नीट के लिए जिसके द्वारा आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे इसके बारे में दी। इसके बाद आपको अप्लाइड बायोलॉजी के लिए जो आप एडमिशन लेंगे, किस एजेंसी के द्वारा, किसके द्वारा आप एडमिशन लेंगे, इसकी जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।